श्रीलंका के खिलाफ जीता हुआ मैच टाई होने के बाद हमें गौतम गंभीर का रौद्र रूप देखने को मिला, जिसके बाद इंटरव्यू में बात करते हुए गंभीर ने चौंका देने वाले बयान दिए। तो गंभीर ने क्या कुछ कहा उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आज का ये रोमांचक मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच हमें एक और ऐसा मुकाबला देखने को मिला जो कि टाई हो गया। पहले हमें T20 में देखा था और आज पहले ODI में। दरअसल श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 231 का टारगेट दिया था, जहां एक समय पर जब मैदान पर अक्सर पटेल और KL राहुल मौजूद थे तो सभी को लगा कि भारतीय टीम बड़े आसानी से ये मैच जीत जाएगी। लेकिन जैसे ही ये दोनों आउट हुए उसके बाद मैच ही पलट गया। किसी तरह से शिवम दुबे ने मैच को अंत तक लेके गए, जहां जीत के लिए सिर्फ एक रन चाहिए थे और भारत के दो विकेट अब भी बचे हुए थे। यहां पर सभी को लगा कि ये मैच अब भारत नहीं हार सकती, बल्कि गौतम गंभीर और विराट कोहली तो सेलिब्रेट भी करने लग गए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आगे दो गेंदों पर दो विकेट लेकर श्रीलंका ने हारी हुई मैच को टाई करा दी। पहले शिवम दुबे को चलता किया, उसके बाद अर्शदीप सिंह को। भारत ये जीता हुआ मैच टाई करा गई, जिसके बाद कोच गौतम गंभीर काफी भड़क गए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारतीय टीम ने ये हाथ का मैच कैसे गंवा दिया। जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके बाद गंभीर सबसे पहले अर्शदीप सिंह के पास गए और उनसे काफी देर तक बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। रोहित शर्मा भी वहां मौजूद थे। साफ नजर आ रहा था कि गंभीर अर्शदीप के शॉट सिलेक्शन से खुश नहीं थे। अर्शदीप ने उस समय कुछ नहीं कहा और सिर्फ गंभीर की बातें सुनी। रोहित जो बाजू में खड़े थे वो आशदीप का सपोर्ट लेकर गंभीर को समझाते हुए नजर आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस मैच में बल्लेबाजों ने खराब बल्लेबाजी की, जिसके चलते अंत में ऐसी परिस्थिति आई कि मैच टाई हो गया। लेकिन वही दोस्तों, आगे मैच के बाद जब गौतम गंभीर से इस मैच के बारे में पूछा गया तो गंभीर ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि आज के इस मैच से मैं बेहद ही निराश हूँ। ये मैच हमें जीत जाना चाहिए था, क्योंकि हम वर्ल्ड की नंबर एक टीम है, ऊपर से हम हाल ही में वर्ल्ड कप चैंपियन भी रहे हैं, तो ऐसे प्रेशर सिचुएशन से निकलना हमें आना चाहिए। बल्कि हम उस खराब सिचुएशन से बाहर भी आए थे जब अक्सर पटेल और KL राहुल के बीच पार्टनरशिप बनी थी। मुझे लगा अब हम यहां से आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो टीम ने की है वो बेहद ही शर्मनाक है। बतौर हेड कोच या बतौर खिलाड़ी जब मैं खेला करता था तब और अब भी मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमें हर एक मैच जीत जाए। हाँ, कुछ मैच ऐसे होते हैं कि सामने वाली टीम हमसे अच्छी क्रिकेट खेल लेते हैं और हमें हरा जाते हैं, लेकिन आज का ये मैच हमारे हाथ का मैच था। जब दो विकेट बचे थे और सिर्फ एक रन चाहिए थे, मुझे और विराट को लगा कि यहाँ से हम मैच जीत जाएंगे और सेलिब्रेट भी करने लग गए। लेकिन फिर शिवम दुबे और अर्शदीप दोनों आउट हो गए। अर्शदीप ने मेरी राय में खराब शॉट खेला। जब गेंद स्पिन हो रही हो उस समय अब आंख बंद करके शॉट नहीं मार सकते। जो गलती अर्शदीप ने की वो ओवर खत्म होने के लिए सिर्फ दो गेंद बचे हुए थे। ऐसे में अगर अर्शदीप गेंद को डॉट भी कर लेते तो अगले ओवर में सिराज स्ट्राइक पर आते और सिराज ने ऑलरेडी 11 गेंद खेल रखी थी, तो उन्हें एक रन बनाने में कोई मुश्किलें नहीं होती। लेकिन अर्शदीप ग्लोरी शॉट मारने गए और अपना विकेट दे बैठे। ये मैच टाई जरूर हुआ है, लेकिन मेरी राय में ये हमारे लिए एक हार ही है। उम्मीद है अब टीम आज के हार से सीखेंगे और आने वाले दो मैच में बेहतर तरीके से वापसी करेंगे। लेकिन अब भारत और श्रीलंका का मैच टाई होने पर भारतीय दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं, तो किसने क्या कहा है आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं इस मैच के टाई होने से काफी नाखुश हूं। टीम इंडिया को ये मैच बड़ी ही आसानी से जीतना चाहिए। हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी में भी हमने अच्छी शुरुआत की, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने मैच को खराब कर दिया। हालांकि राहुल और अक्षर ने जरूर पारी को संभाला था, लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट में अर्शदीप को बड़ा शॉट नहीं खेलना चाहिए था। अगर वो सिंगल लेने जाते तो इंडिया ये मैच बड़े ही आसानी से जीत जाती। जिसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह इस मैच के सबसे बड़े विलेन है। उन्होंने लास्ट में कुछ भी समझदारी नहीं दिखाई। जब आपको सिर्फ एक रन बनाना हो और गेंदे भी आपके पास में भरपूर हो तो आपको सिंगल ले लेना चाहिए, न कि बड़ा शॉट खेलने के लिए जाना चाहिए। अगर अर्शदीप वहां सिंगल लेने जाते तो मैच का नतीजा कुछ और ही होता। बाकी उम्मीद है आगे हमारी टीम जरूर ऐसी गलती नहीं करेगी। वही एमएस धोनी ने बात करते हुए कहा कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि श्रीलंका को 200 रन के अंदर रोकना चाहिए, लेकिन टीम इंडिया ने इस मैच को हल्के में ले लिया, जिसके वजह से श्रीलंका ने 230 रन का टोटल बना दिया। बाकी रोहित और गिल ने भारत को अच्छी शुरुआत भी दिलाई, लेकिन इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने मैच को खराब कर दिया। कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। बाकी लास्ट में अर्शदीप ने जो बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया वही भारत के लिए भारी पड़ गया। बाकी इसी गलतियों से युवा खिलाड़ी सीखेंगे। जिसके बाद में सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये मैच ड्रॉ नहीं हुआ है बल्कि इंडिया मैच हार गई है। इंडिया ये मैच बड़ी ही आसानी से जीत रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लास्ट में जाकर सारा मामला खराब हुआ। मेरे हिसाब से दुबे को लास्ट में टिक कर खेलना चाहिए था, उनको ही मैच को फिनिश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक रन चाहिए, जिसके वजह से उन्होंने मैच को हल्के में ले लिया, जो कि उनको ही भारी पड़ गया। बाकी अर्शदीप सिंह की भी गलती थी। तो दोस्तों ये कुछ बयान थे जो भारत के दिग्गजों ने दिए हैं मैच ड्रा होने पर। वहीं दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिया है। सबसे पहले इरफान पठान ने बात करते हुए कहा कि आज का ये मैच लोगों को बरसों तक याद रहेगा। इस मैच में रोमांच, ड्रामा, थ्रिल सब कुछ था। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि कोई टीम डोमिनेट कर रही है। आर समय मैच रुक पलट रही थी, कभी श्रीलंका के खेमे में तो कभी भारत के खेमे में, लेकिन मेरी राय में भारतीय टीम को ये मैच जीत जाना चाहिए था क्योंकि मैच उनके हाथ में थी। अगर अर्शदीप सिंह बड़ी शॉट खेलने के बजाय एक रन लेने के लिए जाते तो एक रन आसानी से कंप्लीट हो जाता और भारत ये मैच जीत जाता। लेकिन अब हम सिर्फ बात कर सकते हैं, उम्मीद है बाकी बचे हुए मैच भारत जीत जाए। वही दोस्तों रिकी पोंटिंग ने बात करते हुए कहा कि इस मैच में एक पॉजिटिव बात है कि श्रीलंका की टीम ने भारत जैसी बड़ी टीम को टक्कर दिया, वरना ये टीम उनके सामने पहले ही घुटने टेक देते थे। आज के मैच में भारत से ज्यादा बेहतर श्रीलंका ने खेला था क्योंकि हम पहले से जानते हैं भारत एक तगड़ी टीम है, सबको पता है वो अच्छी क्रिकेट ही खेलेंगे। लेकिन आज अंत में जो श्रीलंका की टीम ने कमाल किया वो तारीफ के काबिल है। भारतीय टीम के मुंह से उन्होंने जीत को छीन लिया। भले ही दोनों में से कोई भी ये मैच ना जीता हो, लेकिन मेरी राय में इस मैच के असली विनर्स श्रीलंका की टीम है। वही दोस्तों केविन पीटरसन ने बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम ने आज बड़ी गलती की, ये मैच भारत को बड़े आसानी से जीत जाना चाहिए था। जब अक्सर पटेल और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे वहां से ये मैच भारत का ही था, लेकिन भारतीय टीम आखिर में प्रेशर में आ गई और चोक कर गई। जब आपको सिर्फ एक रन चाहिए हो और दो विकेट बचे हो तो वहां से मैच हारना ये भारतीय टीम के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। गौतम गंभीर इस हार से बेहद ही नाखुश होंगे। वही दोस्तों क्रिस गेल ने बात करते हुए कहा कि आज के मैच का असली विलान अगर कोई है तो वो अर्शदीप सिंह है। जब आपको पता है सिर्फ आखिरी विकेट बचा है और गेंद भी स्पिन कर रही है और उस ओवर में सिर्फ दो गेंद ही बचे थे, तो ऐसे में अर्शदीप को दो गेंद डॉट कर देनी चाहिए थी ताकि अगले ओवर में मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर आते और वो कुछ गेंदे खेल भी चुके थे, तो ऐसे में उन्हें एक रन बनाने में कोई मुश्किलें नहीं होती। लेकिन अर्शदीप गोलरी शॉट खेलने गए और भारत ये जीती हुई मैच टाई कर गई। कहने के लिए ये टाई हुआ है, लेकिन असल मैंने में भारत ये मैच हार गई है। दोस्तों आप इन दिग्गजों के बयान पर क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।